तो देखिए, महाराष्ट्र में कुछ ऐसा हो रहा है जो इससे पहले कभी नहीं हुआ। खास तौर पर शिवसेना की अगर बात की जाए तो शिवसेना में इससे बड़ी सियासी टूट इससे पहले कभी नहीं देखी गई। देखते ही देखते एक पूरी पार्टी हाईजैक हो गई है और पार्टी की लीडरशिप को हवा तक नहीं लगी। यह भी पहली बार हुआ है कि किसी मुख्यमंत्री को सीएम रहते हुए अपना घर, सरकारी आवास छोड़ना पड़ा। उद्धव ठाकरे अपना बोरिया बिस्तर समेटकर और परिवार के साथ बीती रात करीब 9 बजे अपने सरकारी आवास से मातोश्री पहुंच गए, लेकिन उससे पहले उन्होंने संकेत भी दिया कि वो इस्तीफे के लिए तैयार है। तो क्या उद्धव ठाकरे ने हार मान ली? क्या मुख्यमंत्री आवास खाली करने के बाद उद्धव मुख्यमंत्री की कुर्सी भी छोड़ेंगे? यही सवाल सबके मन में चल रहा है। दूसरी तरफ शिवसेना के बागी एकनाथ शिंदे का कुनबा बढ़ता जा रहा है। कल तक उनके साथ 34 से 40 विधायक थे, अब वो 46 से ज्यादा विधायकों के समर्थन का दावा कर रहे हैं। हालांकि कई सवाल अभी भी ऐसे हैं जिनके जवाब मिलने बाकी हैं और उनके जवाब लगातार हम तलाशने की कोशिश भी कर रहे हैं। तमाम बड़ी अपडेट्स इस वक्त मुंबई से हमारे पास आ रही है। शिवसेना एमएलए सदा सरवनकर के फोटो पर कालिख पोती गई है। सदा सरवनकर के पोस्टर पर शिव सैनिकों ने कालिख पोती और लिख दिया गद्दार। सदा सरवनकर मुंबई के माहिम इलाके से विधायक हैं, एकनाथ शिंदे के साथ इस वक्त गुवाहाटी में मौजूद हैं सरवनकर, यानी उन्होंने बगावत कर दी है उद्धव ठाकरे के नेतृत्व के खिलाफ। और ये देखिए तस्वीरें आपके सामने हैं, कई जगहों पर शिव सैनिकों की नाराजगी बागी विधायकों को लेकर साफ तौर पर नजर आ रही है। शरद पवार के घर से दीपेश त्रिपाठी इस वक्त हमारे संवाददाता जुड़ रहे हैं। दीपेश, देखिए कुछ जगहों से ऐसी तस्वीरें तो सामने आ रही हैं जहां पर शिवसेना कार्यकर्ता उद्धव ठाकरे के समर्थन में और शिवसेना के बागियों के खिलाफ नारेबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं। अब एक घटना सामने आई है, जो बागी विधायक हैं उनके पोस्टर पर कालिख पोती गई है, लेकिन यह समर्थन किस लेवल का है? किस लेवल का समर्थन शिव सैनिकों का इस वक्त उद्धव ठाकरे के साथ है? दीपेश त्रिपाठी तक लग रहा है हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन आप तस्वीरें देख सकते हैं, शिवसेना एमएलए सदा सरवनकर के पोस्टर पर कालिख पोती है शिव सैनिकों ने और उनके पोस्टर के नीचे लिख दिया है गद्दार। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।